कुछ दिनों पहले हम आप लोगों को इस मशीन के वीडियो डाल रहे थे जिसमें ये दो मशीन अच्छा चल रहा था। आज इस मशीन का एक डाई नीचे से टूट गया है। ये कैसे टूट गया है आज के वीडियो में हम बताएंगे। और ये वीडियो पहले वाला आप फुल नहीं देखे हैं तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। तो आज हम बताएंगे कि जो आपको थोड़ा देर पहले मैंने डाई टूटा हुआ दिखाए थे वो कैसे टूट गया और क्या गलती हुआ था, कितना सा गलती की वजह से आपको इतना बड़ा नुकसान हो गया, ताकि अगर आप आज के वीडियो देख लेते हैं तो आप भी ऐसे गलती नहीं कर देंगे, ताकि आप अपने मशीन को मेंटेनेंस करके हमेशा रखेंगे। जब भी स्टार्ट करना होगा उस टाइम आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस मशीन में बहुत ही अच्छा ये मशीन है और ये एक गलती के वजह से आपको इतना बड़ा डाई का नुकसान हो गया है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या पिन है जो कि टूट कर वो डाई के नीचे चला गया, जिसके वजह से ये डाई टूट गया। तो देख सकते हैं कैसे यहाँ पे डाई जो है टूटा हुआ है बहुत ही। एक साइड जो पिन है वो पिन नीचे आ गया, और वो कौन सा पिन है जो आपको नीचे आकर ये डाई के प्रेस हो गया, जिसके वजह से ये डाई टूट गया। मैं आपको पीछे की तरफ से दिखाते कि ये डाई कैसे उसके नीचे आ गया। डाई के नीचे आ गया पिन, जो पेपर रोकने का जो पिन एक होता है जो आगे के तरफ पिन खींचता है और पीछे की तरफ से आता है, ये पेज सीट को रोकता है। ये क्या हुआ कि इसका बोल्ट है जो कि खुल गया, खुलकर ये सीट के साथ में देख सकते हैं लूज है, खुलकर साथ में वो चला गया डाई के नीचे। और ऊपर से हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक प्रेस में क्या होता है, जब तक उसका नीचे तक नहीं जाकर पूरा टाइमिंग जितना रहता है उतना नीचे नहीं जाएगा, तब तक वो रुकेगा नहीं। और नीचे का कास्ट आयरन जो होता है वो हार्ड था, वो जल्दी ही टूट गया। तो एक छोटा सा गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया।